सभी को नमस्कार। आज हम इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटनेस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट, उसको रिवाइज करते हैं। तो हमने पढ़ा कि इंस्ट्रक्शन कोड में, ये आपका 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है, इसमें सबसे पहले जो कंट्रोल यूनिट है बिट नंबर 12, बिट नंबर 13 और बिट नंबर 14 को पढ़ती है। अगर ये तीनों बिट 111 नहीं है तो फिर बिट नंबर 15 को पढ़ती है, जो कि मोड सिलेक्शन बिट या आई है। अगर ये बिट 0 है तो ये डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, और अगर ये बिट नंबर 15 आई की वैल्यू 1 है तो ये इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेस टाइप का इंस्ट्रक्शन है। तो ये हमने फिर टेबल देखी। टेबल में ये 16 बिट का जो इंस्ट्रक्शन है ये हेक्साडेसिमल में डिनोट किया गया है, यानी ये जो एक पोजीशन है ये 4 बाइनरी बिट्स यानी एक हेक्साडेसिमल डिजिट है, इसलिए ये 16 जो बाइनरी डिजिट है ये हेक्साडेसिमल के 4 डिजिट से डिनोट किया गया है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ये 4 बिट्स हैं, बिट नंबर 12, बिट नंबर 13, बिट नंबर 14 और बिट नंबर 15, ये इसकी चौथी बिट है। तो हमने क्या कहा, ऑपकोड अगर जो ये तीन बिट हैं, बिट नंबर 12, बिट नंबर 13, बिट नंबर 14, अगर तीनों 1 नहीं है और ये बिट नंबर 15 0 है तो हेक्साडेसिमल की ये रेंज कहां से कहां तक शुरू होती है, 0 से लेकर 6 तक। तो यहां पे 0 से लेकर 6 तक जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं वो डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस के इंस्ट्रक्शन हैं, और वही अगर बिट नंबर 12, बिट नंबर 13, बिट नंबर 14, बिट तीनों 1 नहीं है और बिट नंबर 15 1 है तो 8 से लेकर के 15 यानी ई तक के इंस्ट्रक्शन ये इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेस के इंस्ट्रक्शन है। ये दोनों इंस्ट्रक्शन सेम है लेकिन काम वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस में हो रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेस में हो रहा है, राइट? इसी प्रकार बिट नंबर 12, बिट नंबर 13 और बिट नंबर 14 अगर तीनों 1 है और बिट नंबर 15 0 है तो ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। तो बिट नंबर 12, बिट नंबर 13, बिट नंबर 14 अगर 0 है और 15, सॉरी, बिट नंबर 12, बिट नंबर 13, बिट नंबर 14 तीनों 1 है और बिट नंबर 15 0 है तो ये हेक्साडेसिमल डिजिट कौन सा हुआ, ये हेक्साडेसिमल डिजिट हुआ 7। तो यहां पे आप टेबल पर देख पा रहे हैं 7 से शुरू होने वाले सारे इंस्ट्रक्शन ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। इसी प्रकार अगर बिट नंबर 12, बिट नंबर 13 और बिट नंबर 14 तीनों 1 है और बिट नंबर 15 भी 1 है तो ये है हेक्साडेसिमल 15 के इक्विवेलेंट यानी एफ। हेक्साडेसिमल में 15 को हम एफ से डिनोट करते हैं। तो आप यहां देख पा रहे हैं एफ से शुरू होने वाले जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटनेस की। किसी भी प्रोग्रामर को मशीन लैंग्वेज में किसी भी कंप्यूटेबल फंक्शन को लिखने के लिए, कंप्यूटेबल फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, ऐसा कोई भी फंक्शन जो कि कंप्यूटेबल हो, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, तो किसी भी प्रोग्रामर को एक कंप्यूटेबल फंक्शन को सॉल्व, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई प्रोग्राम लिखना पड़े मशीन लैंग्वेज में तो उसको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है जिसे हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीट कब होता है, जब उसमें इन चार तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। पहला है अर्थमेटिक, लॉजिकल और शिफ्ट टाइप के इंस्ट्रक्शन। दूसरा इस तरह के इंस्ट्रक्शन जिसमें मेमोरी और रजिस्टर्स के बीच में हम डेटा मूव कर पाए। तो जनरली सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो एक्यूमुलेटर में होते हैं, तो इसलिए हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन होने चाहिए उसमें जब आप मेमोरी से एक्यूमुलेटर में कंटेंट को लोड कर पा रहे हैं या फिर एक्यूमुलेटर के कंटेंट आफ्टर प्रोसेसिंग मेमोरी में कहीं पे स्टोर कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रोग्राम कंट्रोल के कुछ इंस्ट्रक्शन जिसमें आप कोई कंडीशनल स्टेटमेंट को चेक करते हैं और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रांचिंग होती है, नहीं तो
नेक्स्ट सिक्वेंशियल लोकेशन का जो इंस्ट्रक्शन है वो लोड होता है। तो प्रोग्राम कंट्रोल की इंस्ट्रक्शन और इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन जिसमें आप इनपुट डिवाइस से डायरेक्ट इनपुट ले सकें और आउटपुट डिवाइस में डेटा को डिस्प्ले कर सकें। तो अगर आप इस इंस्ट्रक्शन सेट को देखते हैं जो 25 इंस्ट्रक्शन का है, तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस अर्थमेटिक लॉजिक टाइप के हैं, जैसे कि एंड मेमोरी वर्ड विद एसी, राइट। तो ये क्या कर रहा है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को मेमोरी पे जो किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन में कोई एक डेटा है उसके कंटेंट को एंड एंड कर रहा है एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ। इसी तरीके से एडिशन हो पा रहा है, राइट, कॉम्प्लीमेंट कर पा रहा है, जो कि लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेशन है। इसके अलावा यहां शिफ्ट ऑपरेशन कर पा रहा है। तो आप जानते हैं कि आप एडिशन और कॉम्प्लीमेंट की मदद से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एडिशन और कॉम्प्लीमेंट और शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट की मदद से आप मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। तो यानी कि आप सब तरह के अर्थमेटिक ऑपरेशन कर पा रहे हैं। इसी प्रकार एंड, कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये और ये क्लियर, ये लॉजिकल ऑपरेशन है। एंड और कॉम्प्लीमेंट की मदद से आप नैंड फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और नैंड फंक्शन की मदद से आप सारे लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सारे लॉजिकल ऑपरेशन जो कि दो वेरिएबल के हैं आप नैंड फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप सब तरह के लॉजिकल ऑपरेशंस भी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप देखिए मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन आप कर पा रहे हैं, लोड एसी फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी की किसी लोकेशन से आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट को लोड कर रहे हैं, और इसी प्रकार आप मेमोरी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को मेमोरी में मूव कर पा रहे हैं, यानी कि आप इस तरह के ऑपरेशंस भी कर पा रहे हैं, मूविंग इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम मेमोरी एंड एक्यूमुलेटर। और